हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। अभी तक हमने रोटेटिंग बॉडी से रिलेटेड दो डेरिवेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो अभी तक देख चुके हैं। एक था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी और दूसरा है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। ये दोनों डेरिवेशन के जो लिंक है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक हो रहे हैं, तो आप जाके उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद मैं आगे काम करने वाला हूं कि इन तीनों वीडियो का बेसिकली जो तीनों डेरिवेशन है उन तीनों वीडियो को एक कंबाइन वीडियो में भी आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो वीडियो का भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके वो वीडियो भी एक साथ देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम बेसिकली मैं लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन अगर वही मोमेंटम मुझे एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए निकालना हो तो उसी मोमेंटम को हम एनालॉगस थोड़ा सा यूज करेंगे और आपका जो लीनियर मोमेंटम हो वही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एंगुलर मोमेंटम में। तो इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन जब आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा हो, रोटेटिंग हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। ठीक, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां पे एक चीज समझना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ ही मूव करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा है जहां पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक, तो यहां पे आप कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये पूरा जो बॉडी है वो मूव कर रहा है। ये हो गया हमारा सेंटर। ऑफ कोर्स अगर रिजिड बॉडी इसमें एन नंबर ऑफ ऐसे पार्टिकल्स होंगे, m1 m2 m3 mn, इस वजह से इनके डिस्टेंसेस भी क्या होंगे, अलग अलग। ये होगा R1, R2, R3, Rn, m नंबर। ठीक है, अब हमको पता है, we know that एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम L से। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये हो जाता है R क्रॉस P। अब P क्या है, लीनियर मोमेंटम। P क्या है, लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर हम स्केलर फॉर्म की बात करें तो स्केलर में हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, पी इंटू आर लिख सकते हैं या आर इंटू पी लिख सकते हैं, कैसे भी दोनों ही करेक्ट है। ठीक, ये चीज पता होना चाहिए। उसके बाद लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यहां पे हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग। क्यों, क्योंकि सबका आर भी क्या है, अलग अलग है। तो यहां से लिखा, V1 इज इक्वल्स टू R1 ओमेगा, V2 इज इक्वल्स टू R2 ओमेगा, V3 इज इक्वल्स टू R3 ओमेगा। सिमिलरली Vn इज इक्वल्स टू Rn ओमेगा हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी पता है तो बताओ मोमेंटम क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू M1 V1, P2 इज इक्वल्स टू M2 V2, सिमिलरली P3 इज इक्वल्स टू M3 V3, Pn इज इक्वल्स टू Mn Vn। ठीक है, अब देखो हमारे पास V1 की वैल्यू है R1 ओमेगा, यहां पुट करो तो क्या हो जाएगा, M1 R1 ओमेगा, इधर M2 R2 ओमेगा, M3 R3 ओमेगा, सिमिलरली MN RN ओमेगा। हमने हर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो देखो L1 क्या हो जाएगा, P1 into R1, L2
P2R2 L3 P3 R3, similarly ln is equals to Pn into Rn हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो P1 P2 P3 की वैल्यू है उठाओ और यहां पुट कर दो। तो देखो P1 की वैल्यू क्या है, M1, और यहां देखो R1 यहां पर भी है, R1 यहां पर भी, तो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर ओमेगा यहां, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा यहां, M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, सिमिलरली MN RN स्क्वायर ओमेगा। इसका मतलब हमने हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया है। अब क्या करोगे, जैसा पिछले दो डेरिवेशन में करते आ रहे हो, सारे एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दो तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। चलो यही कर लेते हैं। तो L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 टिल L, सब की वैल्यू दिख रही है, तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, MN RN स्क्वायर, और देखो सब जगह से कॉमन क्या है, ओमेगा। अब फिर से वही कहानी, ये क्या है, समेशन ऑफ ऑल द MR स्क्वायर। अगर सारे MR स्क्वायर को ऐड करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फाइनली L इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा, ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। यहां पे आपकी ये डेरिवेशन भी कंप्लीट होती है। अब मैं तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, जो पिछले तीन डेरिवेशन में हमने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, ठीक है, ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक। चलो देखते हैं, एक बार यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो। ले लिया, अब समझते हैं कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक समझे हैं। देखो इस साइड लिखता हूं मैं लीनियर और इस साइड लिखता हूं मैं रोटेशनल, ठीक है। जैसा कि अभी तक हमने देखा, हमको पता है लीनियर में एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, तो रोटेशन में एफ की एनालॉगस प्रॉपर्टी क्या है, टॉर्क। तो जो काम एफ कर रहा था वही काम टॉर्क करेगा। M की एनालॉगस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, I, और लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। उसके बाद हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप बताओ कि यही काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में क्या हो जाएगी, हाफ तो रहेगा। M की एनालॉगस प्रॉपर्टी क्या, देखो यहां M था तो यहां I आया था, तो यहां पर भी M है तो यहां क्या आएगा, I। वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यहां वेलोसिटी की एनालॉगस प्रॉपर्टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। देखो कितना इजीली बना पा रहे हो आप फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद हमको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो जो काम यहां लीनियर मोशन में P कर रहा था वही काम रोटेशन में L करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम की एनालॉगस प्रॉपर्टी एंगुलर मोमेंटम, फिर से यहां मास है, मास की जगह क्या पुट करेंगे, अरे यार अब इतने बार बता चुका हूं I, मास की जगह I, तो फिर से आया I। अब फिर से यहां देखो V की जगह क्या पुट किए थे, ओमेगा, तो ये हो गया एक और फॉर्मूला। इसका मतलब देखो कितने इजी, हम सिर्फ अगर हमको लीनियर की चीजें याद है तो एंगुलर वाली या रोटेशन वाली चीजें हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और इक्वेशंस होते हैं, आप सबको पता होगा, जैसे v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको बोलते हैं काइनेमैटिक इक्वेशन। अब ये तो हो गया लीनियर के लिए,
अगर इन्हीं काइनेमेटिक इक्वेशन को मुझे रोटेशन में समझना हो तो ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ये क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, इसको यहां लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ओमेगा वन इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एक एनालॉगस प्रॉपर्टी अल्फा और ये टी हो गया। देखो ये है इनिशियल और ये है फाइनल, बहुत सारी जगह आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, ओमेगा टू इज इक्वल्स टू ओमेगा वन प्लस अल्फा टी, दोनों ही सही है। ओमेगा वन मतलब इनिशियल, ओमेगा टू मतलब फाइनल, ओमेगा जीरो मतलब इनिशियल, ओमेगा वन मतलब फाइनल। एस अब यहां पे आप बताओ, यहां एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी प्रॉपर्टी एनालॉगस प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखो कितना इजिली फॉर्मूला बन रहा है, यू के जगह ओमेगा नॉट टाइम हाफ ए के जगह अल्फा टाइम का स्क्वायर। अब ये थर्ड वाला बताओ, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यहां लिखो देखो ओमेगा वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस टू अल्फा एस के जगह थीटा हो गया। इसका मतलब अगर आपको लीनियर वाली चीजें पता है तो जस्ट उसको कंपेयर कर लेना है एनालॉगस प्रॉपर्टीज के साथ और आपको रोटेशन के फॉर्मूला बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझी होंगी, इसको नोट डाउन कर लेंगे और ट्राई करेंगे ऐसी और एनालॉगीज को बनाने के लिए। और एक टेबल बना लो, इस साइड आप लीनियर लिखना, इस साइड रोटेशन लिखना और सारे फॉर्मूला एक साथ रखना है, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी जब भी आप कॉम्पिटेटिव का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझी होंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए।